बहादुरगढ़ में बीजेपी विधायक नरेश कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने जींद उपचुनावों को लेकर कहा कि जींद में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। 5 नगर निगमों के चुनाव जीतने के बाद प्रदेश की जनता को भी एहसास हो गया है कि हरियाणा का विकास केवल बीजेपी ही करा सकती है। उन्होंने सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिए जाने पर पीएम का धन्यवाद किया और कहा कि इसका फायदा 36 बिरादरी के गरीब लोगों को होगा। साथ ही विधायक नरेश कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण के नाम पर हमेशा लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास करके दिखाया है। श्रवण जातियों को 10% का आरक्षण देकर लोकसभा और राज्यसभा में उसको पास कराया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। 70 साल से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, लेकिन आरक्षण के नाम पर एक लॉलीपॉप लोगों को दिया गया और उस पर कोई भी कार्रवाई पिछली सरकारों ने नहीं की। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई पार्टी विकास करा सकती तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश को जो है एक अच्छा सुरक्षित शासन और प्रशासन दे सकती है। 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी।